हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन हमारे चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं इनकी। तो अब एग्ज़ाम के लिए हमें पता होना चाहिए उसमें क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें हमने क्या सीखा कि कोई भी जो भी हमारी भाज्य संख्या है उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं, यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडन के रूप में दिखा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो बेटा जी, ये वो संख्याएं हैं जो या तो अपने पहाड़े में आती हैं या फिर एक के पहाड़े में, यानी इनके दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे ही आगे। ध्यान रखना, एक जो है यानी 1 वो प्राइम नंबर नहीं होता, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, वो एक यूनिक नंबर है। इसलिए एक को कभी भी अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करना है। अब इसमें हम गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 450 है, इसके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं, इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, एलसीएम नहीं बोलते। तो अब प्राइम फैक्टर्स, पहले हमने देख लिया 2, ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 दुनी 4 और 2 पंजे 10 इस तरह हो रहा है। अगर आप इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पर इसे रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा वो हम इधर लिख देते हैं। नेक्स्ट, अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 5 से करेंगे। 5 4 20 और 5 5 25। फिर से 5 से करते हैं तो ये 5 निम 45। आप 3 से, 3 3 9 और ये 3 1 3। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पर डिवाइड करके करेक्ट आंसर आप यहाँ ला के लिख के फिर डिवाइड कर सकते हो आगे। अब ये हमने क्या किया, इसे प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की घात 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने कहा ना कि उसे उसके गुणनफल प्रोडक्ट के रूप में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो 3 की घात 2, और फिर 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 5 की घात 2, यानी 450 जो है वो हो गया इसके इक्वल। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हमारा भाज्य गुणनखंड, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सिंपली ये कहा जाएगा, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि 450 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और बताइए उसमें 5 की पावर क्या है या 3 की पावर क्या है। तो ये करने के बाद ही हम बता सकते हैं ना कि हाँ 5 की पावर 2 है या 3 की पावर 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा, जब हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन या भाज्य गुणनखंड करना होता है, और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। जिन भी नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है उन्हें इस फॉर्मेट में चेंज करो, उसके बाद यहाँ एल है ना, लो बोल रहे हैं, तो हम हाईएस्ट पावर देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, और जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम उसका उल्टा काम करेंगे, हम लोएस्ट सबसे कम वाली पावर देखेंगे। तो ये एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है जहाँ हम गुणनखंड वृक्ष यूज़ करते हैं, यानी जो हमारा फैक्टराइजेशन ट्री होता है उसमें हमें मिसिंग नंबर ढूंढने होते हैं। जैसे 45 है, यहाँ पर एक सर्कल दिया, इसमें 3 दे दिया और ये जो नंबर है ये मिसिंग है, फिर आगे से डिवाइड किया, यहाँ 5 दे दिया और ये नंबर मिसिंग है। तो 45 जब हम इस वृक्ष में नीचे की ओर आते हैं तो हम देख रहे हैं ब्रांचेस हो रही हैं, शाखाएं बन रही है, डिवाइड हो रहा है, तो हम भी यहाँ पर 45 को 3 से डिवाइड करेंगे।
तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 15। फिर हम नीचे आ रहे हैं यानी फिर हम डिवाइड करेंगे तो 5 के पहाड़े में 15 कब आएगा, 5 3 15। तो इस तरह से हमने मिसिंग नंबर ढूंढ लिए। अगर ये थोड़ा सा अपोजिट होता, यहाँ पर हमें 3 दिया होता, ये 5 ऐसे और यहाँ पर 5 और ये 3, तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाते, तो हम इसका उल्टा काम करते, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ 15 मिल गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ 45। तो ये क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं, इन्हें भी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट टाइप आ जाता है जहाँ हम LCM और HCF के बीच में रिलेशन देखते हैं उनके नंबर्स के साथ। तो हमें जैसे LCM दिया हुआ है किन्हीं नंबर्स AB का और HCF भी दिया हुआ है AB नंबर्स का, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ आपको इन चारों में से कोई 3 वैल्यूज, ये 4 चीज़ें हैं तो इनमें से कोई 3 वैल्यूज़ दी जाएगी और चौथी कैलकुलेट करनी होगी। तो सिंपली हमें ये फॉर्मूला लिखना है, जो वैल्यूज़ उन्होंने दी है उन्हें पुट करना है और जो वैल्यू ढूंढनी है उसे हमें कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया हुआ है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ इक्वल टू 9। LCM कैलकुलेट करना है 306 और 657 का। अब यहाँ पर ये अलग से नहीं बताएंगे बेटा कि A और B नंबर आपके कौन से हैं, हमें क्लियरली दिख रहा है ये हमारा A है ये B है जिसका HCF 9 है और इसका हमें LCM ढूंढना है। तो सिंपली ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। LCM हमें ढूंढना है, LCM को एज इट इज़ रहने देते हैं। HCF हमें 9 दिया हुआ है और नंबर है 306 इंटू 657। तो LCM क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करना, पहले 9 को यहाँ ले आओ या जो भी नंबर है उसे पहले डिवीज़न में ले आओ, जो कटता है उसे काट दो, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करके आके आप सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर? नहीं तो पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। फिर इसमें आता है रूट 2, रूट 3, रूट 5 को इरेशनल यानी अपरिमेय सिद्ध करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, या तो रूट 2 या रूट 3 या रूट 5। रूट 2 का हमने सीख लिया तो रूट 3 रूट 5 अपने आप बहुत ईजी हो जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर इसी टाइप में दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ कॉम्बिनेशन दिया होता है, 2+2 रूट 3 हो गया या फिर 5-3 रूट 2 हो गया, इन्हें भी हमें इरेशनल यानी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये भी स्टेप्स वही रहते हैं जैसे रूट 2 के होते हैं, पर ये इनसे भी ज़्यादा सिंपल होता है जैसा आपको पता ही है, तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो मेनली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये फर्स्ट चैप्टर में हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं एक और क्विक रिवीजन के साथ, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।